हजारो राम राम नमस्कार। बता दें आपको, झांसी के हसारी में डिपो के बगल में श्री श्री 1008 खैरापति मनसापूर्ण हनुमान जी मंदिर के यहाँ सातवें दिन आज शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाए गए व पूजन हुआ। बता दें आपको, सातवें दिन भी अनेकों भक्तों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की। सावन मास को शिव जी का महा माना जाता है, इसलिए इन दिनों में पार्थिव लिंग बनाकर शिव पूजन का विशेष पुण्य मिलता है। शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग पूजा का महत्व बताया गया है। कलयुग में कूष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने पार्थिव पूजन प्रारंभ किया था। शिव महापुराण के अनुसार पार्थिव पूजन से धन धान्य आरोग्य और पुत्र प्राप्त होती है, वहीं मानसिकता और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। पार्थिव पूजा का सबसे बड़ा महत्व है, पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। शिव जी की आराधना के लिए पार्थिव पूजन सभी लोग कर सकते हैं, फिर चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। यह सभी जानते हैं कि शिव कल्याणकारी है, जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजन अर्चना करता है वह 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। शिव पुराण में हर दुखों की दूर करके मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ साथ पूजन करने के पहले पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए मिट्टी, गाय का गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाकर शिवलिंग बनाया। शिवलिंग के निर्माण में इस बात का ध्यान रखें कि यह 12 अंगुल से ऊंचा नहीं हो। इससे अधिक ऊंचा होने पर पूजन का पुण्य प्राप्त नहीं होती। यह मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि जो प्रसाद शिवलिंग के स्पर्श कर जाए उसे ग्रहण नहीं करें। बता दें आपको, आज सभी यजमानों ने पूजा अर्चना की और आरती हुई। इसके साथ साथ पहले इन देवों की कैसे करें पूजा, शिवलिंग बनाने के बाद गणेश जी और विष्णु भगवान, नवग्रह और माता पार्वती आदि का आहन करना चाहिए, फिर विधिवत तरीके से षोडशोपचार करना चाहिए। पार्थिव बनाने के बाद उसमें परम ब्रह्म मानकर पूजा और ध्यान करें। पार्थिव शिवलिंग समस्त मनोकामना को पूर्ण करता है। सब परिवार पार्थिव शिवलिंग बनाकर शास्त्र वेद विधि से पूजन करने से परिवार सुखी रहता है। आज सातवें दिन श्री श्री 1008 खैरापति मनसापूर्ण हनुमान जी मंदिर डिपो के बगल में सात दिन से निरंतर असारी व अनेकों दूरदराज से क्षेत्र से यहाँ पर महिला शक्ति आ रही हैं और शिवलिंग बनाने में जुटी हुई हैं। अनेकों शिवलिंग बनाकर आज पूजा अर्चना की और जो यजमान थे, यजमानों ने भी शुरू से बनाए आ रहे शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना की और अंत में पंडित जी ने आरती के माध्यम से सभी का पूजन करके भगवान को याद किया व आराधना की। आज सातवें दिन हनुमान जी के मंदिर पर सभी ने सच्चे मन से पूजा अर्चना की व शिवलिंग की पूजा की। सात दिनों से आज सप्तम दिवस है, सात दिनों से इसी प्रकार से कार्यक्रम लगातार चल रहा है। पूर्व के दिनों में भी जिस प्रकार से हमने बताया था कि पार्थिव मृणमय शिवलिंग निर्माण एवं पूजन और अभिषेक का कार्यक्रम निरंतर यहां पर चल रहा है। सुबह के समय यहां 7 से 10 में अखंड शिव जी का जाप होता है, 10:30 से 2:30 बजे तक यहां पर शिवलिंग निर्माण होता है, उसके बाद 3:30 बजे से यहां पर अभिषेक एवं पूजन का कार्यक्रम होता है। अखंड भक्तों की भीड़ यहां पर लगी हुई है, बहुत ही भक्तिमय वातावरण यहां पर है, बड़ा आनंदमय वातावरण है और सभी भक्त यहां पर अधिक से अधिक संख्या में पधारकर उसका आनंद भी ले रहे हैं। कल इसका अष्टम दिवस यानी आखिरी दिन है, नाग पंचमी का दिन है, कल सोमवार भी है और कल इसका आखिरी दिन है, उसके बाद मंगलवार को इसका हवन एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा।